वेलकम ऑल, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम टू ऑल द न्यू सब्सक्राइबर्स हु हैव जॉइंड माई यूट्यूब फैमिली। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट आई गोइंग टू अ स्पॉट इन आगरा एंड पेंटिंग द सिटी वॉल्स। आई होप यू विल एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। सो विदाउट माई फर्दर डू, लेट्स गेट इन टू द वीडियो। हाय गाइस, आई एम हियर एट भगवान टॉकीज और मैं कैप्चर करने आई हूँ ये इंडिया राइजिंग का इनिशिएटिव जो कि वॉल पेंट करते हैं आगरा में। इन्होंने कोई स्पॉट नहीं छोड़ा एंड आई एम आल्सो गोइंग टू जॉइन दिस प्रोग्राम टुडे। तो आइए हम इन लोगों से ही जानते हैं कि इनिशिएटिव कब शुरू हुआ और किसने शुरू किया। आ जाइए। तो ये कब शुरू हुआ था अंकल? 2014 मार्च 2014 से टीम इंडिया राइजिंग ने अपनी एक्टिविटी चालू की थी। हाँ जी। एक बार सेंट जॉन्स चौराहे के पास एक गड्ढा था। अच्छा। और वो काफी दिनों से था और कोई प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। अच्छा। तो दो तीन हमारे मेंबर जिन्होंने शुरुआत करी उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू हम लोग जुड़े और उन्होंने ये प्रयास किया उस गड्ढे को, चलो हम लोग ही भरते हैं। अच्छा। वहाँ से शुरुआत हुई। फिर ये तय हुआ कि हर संडे को इस चीज़ को कंटिन्यू रखा जाए, जहाँ जहाँ शहर की स्थिति खराब है उसको थोड़ा सुधारने का प्रयास करें। टूरिस्ट आगरा बहुत आते हैं। हाँ। और उन पर आगरा की बहुत खराब छवि बनती थी स्थिति खराब देख के। तो हम लोगों ने प्रयास किया हर संडे कुछ ना कुछ ऐसी जगह जहाँ से लोग गुजरते हैं, सार्वजनिक जगह, उसको सुंदर बनाने का प्रयास करें ताकि जो भी आगरा से गुजरे उसको आगरा की एक अच्छी छवि मिले। इसके लिए 7-8 साल से लगातार प्रयास चालू है। आज 437वां हफ्ता है लगातार। अच्छा। बिना किसी गैप के हर संडे सुबह 2 से 3 घंटा हम लोग श्रमदान करते हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब लोग मिलकर श्रमदान करते हैं सिर्फ अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए। मेरा नाम वंदना कक्कर है और इंडिया राइजिंग टीम अपने स्पॉट पे काम कर रही है। एवरी संडे मॉर्निंग 7 to 9 हम आते हैं। एक स्पॉट डिसाइड होता है, देयर इज़ अ कमेटी जो कि डिसाइड करते हैं कि कहाँ काम करना है। फिर फेसबुक इंस्टाग्राम में अपलोड हो जाता है और टीम जो है वहाँ पहुँचती है, ब्यूटिफिकेशन वर्क करती है। और करीब करीब मेरे को 2005 से मैं टीम के साथ जुड़ी हूँ। के करीब 6-7 महीने बाद जुड़ गया था। अच्छा। तो इंडिया राइजिंग में सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी, ओके। तो इंडिया राइजिंग एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा जुनून है जो हम सबको जोड़े रखता है। करीब 100 से करीब ऊपर लोग जुड़े हुए हैं। फीमेल्स बहुत सारी हैं। फीमेल्स ऐसी हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के भी सुबह सुबह आती हैं, सुबह 7 बजे आना घर का, फिर उसके बाद घर के जाके जिम्मेदारी को निभाना, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज तो है कि हम अपने शहर को साफ रखेंगे, अपने शहर को स्वच्छ बनाएंगे, लेकिन उसके बाद चैलेंज होता है कि हम अपने घर को भी मैनेज करना है। फीमेल्स का क्या, आपने लिया चल दिया, चलो भाई ठीक है कर लेंगे, लेकिन फीमेल्स के पास डबल जिम्मेदारी होती है और इसके बाद भी वो जिम्मेदारी निकालते हैं। हमारे यहाँ बहुत ही सिटिंग है, ये टीचर हैं। अच्छा। वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं DPS में, इनकी अपनी जॉब, अपना बिजनेस करती हैं। ये भरतनाट्यम की टीचर हैं। हमारे जैसे जौहरी जी हैं वो सिल्टेक्स इनकम टैक्स के वकील हैं। सब अपने 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 बिजनेस करते हैं। DPS से हमारे साथ देखिए, ये ने जूनियर रजनीकांत कहते हैं मैंने। नमस्ते सर। तो ये एक फैमिली की तरह जुड़ा है जहाँ हम लोग साल में अपना एक एनुअल डे भी मनाते हैं, पूरी दिवाली भी मनाते हैं और कुछ ना कुछ फंक्शन हम मनाते रहते हैं। फैमिली की तरह जुड़ते हैं। काम के वक्त हमारी शक्ल कपड़े सब भूतों की तरह छोड़ते हैं बिगड़े में, जब सदस्य के आते हैं तो पता भी नहीं चलती। मेरे घर में फंक्शन है तो पूरी टीम इनवाइट है, किसी घर में जो भी फंक्शन है। तो ये इंडिया राइजिंग एक ऐसी फैमिली की तरह जुड़ा हुआ है जो हम कभी सोच नहीं सकते, हमारी फैमिली से भी बढ़कर हो जाती है। और हर सुबह 7 बजे से 9 बजे तक हमें आना ही आना है। हम आते हैं साथ में शेयरिंग में, रहे आप भी चलो तो चलो, आप भी चलो, जितने लोग हो सकें उतने लोगों को कोशिश रहती है हम अपने साथ जोड़ें। और सबसे एक ही मेरा एक मैसेज है कि अपने शहर, अपने गांव, अपना कस्बा, अपनी गली, हर चीज़ को क्लीन रखो, साफ रखो। जब हम अपने घर को साफ रख सकते हैं तो फिर अपने घर से बाहर को नहीं, ये भी तो हमारा घर ही है। I'm really enjoying the vibe here. Like being here for the first time, making me so happy. यार कैसा लग रहा है? मजे आए? हर ब्लॉग में ऐसी बोल रही थी दीदी, बहुत मजे आ रहे हैं।
वी आर सो इनग्रॉस्ड इन इट दैट हमें टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, बट रियली एंड लुक एट दीज किड्स, दे आर मोर एक्साइटेड देन अस, चाहे गलत कर रहे हैं पर कर जरूर रहे हैं. तो मैम हमें नाश्ता दे रही है गरम गरम, जिसमें है बड़े आलू. सो गाइस आई लिटरली लव कमिंग हियर. ये इनिशिएटिव देख के मुझे बहुत खुशी हुई. अब जब भी मैं इस रोड से निकलने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू रिमेम्बर लाइक देयर इज माय इम्प्रिंट ऑन द वॉल एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू लव दिस ब्रेकफास्ट टू. अभी मैंने खाया नहीं है बिकॉज बात ही करने के लिए इतनी बोर है यहाँ पे. Right now it's 10:09 and we are about to leave because I'm बहुत थक गई. And दीदी bye. Bye bye. Sir thank you, आपने इतने अच्छे से treat किया. Bye. So that's it for this video. I hope you loved watching it. If you did, don't forget to like, share, comment and subscribe. And तब तक के लिए wait for the next vlog. Bye bye.